अल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे मज़े मज़े के सीन आ रहे हैं आज। बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ये देखें मेरे पीछे पौधे ही पौधे हैं सारे। चूँकि ज़ाहिर है हम इस वक्त खड़े हुए हैं फ्रूट फार्म के ऊपर और बर्ड्स फार्म के ऊपर भी, फ्रूट फार्म के ऊपर भी आपको बर्ड्स का शौक करवाते हैं। ये वीडियो है दोस्तों रा के लवर के लिए। रा का सेटअप दिखा रहे हैं आपको। लोकेशन है मलिक फ्रूट फार्म साहिवाल, बर्ड्स अवेरी। मलिक एसन साहब के फार्म के ऊपर मौजूद हैं, आपको शौक करवाते हैं। एनवायरनमेंट चेक करें दोस्तों, बर्ड्स यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि परिंदा खुश नहीं रहेगा या परिंदा ब्रीड नहीं करेगा या परिंदा बोर होगा, उदास होगा। ये नेचुरल एटमॉस्फेयर है दोस्तों। नेचुरल एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल नेचर के करीब तरीन रख के कोशिश की गई है देने की। ये देखिए दोस्तों, ये वो हद निगाह जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दोस्तों, ये केज ही केज हैं और ये सारे का सारा इधर फेजेंट लगा हुआ है। आप भी सोचते होंगे कि मैंने दिखाना रा पैरेट्स था और मैं फेजेंट दिखा रहा हूँ। ये एक ही जगह पे लगे हुए हैं। आपको इन्वायरमेंट दिखाते हैं यहाँ पर कैसा है। ये देखें यहाँ पर ये सिरकी की छत डाल के तो एक पूरा बरामदा टाइप बनाया गया है दोस्तों। ये देखें ये लंबी बालकोनी है जिसके अंदर से गुजरा जाता है और यहाँ जनाब बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। इधर लाइट का इशू आ रहा है और परिंदा दोस्तों केज के अंदर रह के भी ये फील करता है कि मैं जंगल में हूँ। माहौल ही ऐसा दिया गया है। ऊपर जाली लगाई हुई है दोस्तों इन्होंने। ये देखें सिरकी के नीचे ना इन्होंने जाली लगाई हुई है ताकि चूहे वगैरह अंदर ना आ सकें और इनको डिस्टर्ब ना कर सकें। अभी सीज़न चूँकि शुरू नहीं हुआ इसलिए बॉक्सेस इनके खुले हुए हैं, लेकिन बॉक्सेस उतारे नहीं हैं, बॉक्सेस लगे हुए हैं ताकि इनको अपने घर का एहसास होता रहे और ये इसमें ब्रीड करते रहे रेगुलर। बस सीज़न ऑफ पे इन्होंने बॉक्स को उतारा नहीं है, लगे हुए हैं। ये खूबसूरत दोस्तों रा का सेटअप और बड़ी मज़ेदार लोकेशन है। ये देखें ये सारे का सारा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है रा लगा हुआ है। नीचे भी रा लगा हुआ है, ऊपर भी रा लगा हुआ है। जी तो दोस्तों मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया और अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला है आपने। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह परिंदे आपके देख के बहुत मज़ा आया। यकीनन हमारे देखने वालों ने भी इंजॉय किया होगा। तो आप ज़रा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे देखने वालों को ताकि आसानी हो जाए फार्म की लोकेशन, नाम वगैरह। मेरा नाम मलिक अहसन मुनीर है जी और मेरा ये फार्म बर्ड का अवारी बर्ड ब्रीडिंग फार्म के नाम से साहिवाल में, ये चक 92 सिकार मुर्शदाबाद साहिवाल में वाक़ है। और अच्छा। मेरे पास बर्ड्स ग्राउंड बर्ड्स भी हैं, पैरट्स भी हैं। तो कोई पिछले 22-23 साल से मैं ये बर्ड का शौक कर रहा हूँ। मैं देखने वालों के दो चार सवाल हैं, ज़्यादा नहीं पूछूंगा मैं, दो चार सिर्फ। कि एक तो रा पैरट के बारे में बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल के ऊपर कमेंट करते हैं कि रा पैरट कितनी एज में ब्रीड करता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है जी? सर ये कुछ 2.5 से 3 साल में सही बर्ड ब्रीड के काबिल होता है। 2.5 से 3 साल का? जी 2.5 से 3। वैसे तो 2 साल में भी आप उसका पेयरिंग कर सकते हैं। जी जी। लेकिन उसमें फिर मेल में अनफर्टिलिटी के चांस ज्यादा होते हैं। सही। जो ही अगर आप एज उनकी पूरी करके फ्लाइंग में मेल सेपरेट और फीमेल सेपरेट फिर 2.5 से 3 साल के बाद उनको पेयरिंग करें तो उसका रिजल्ट हमारे एक्सपीरियंस में अच्छा है। अच्छा आएगा। तो आपके पास जो माशाल्लाह से कलेक्शन है इनकी क्या एवरेज है, औसत क्या आ रही है आपको? मेरे पास कोई रा के 50 पेड़ है। पिछले सालों में मैंने बढ़ाए भी थे, मसरूफियत की वजह से मैंने कम कर दिए हैं जी। तो ये मेरे पास तो 2 क्लच आते हैं और अच्छा। एक क्लच में 5 से 6 अंडे मैक्सिमम है जी। 4 से 5 तो रूटीन में है। रूटीन में है। दोस्तों ये हेल्दी पेयर है रा के, माशाल्लाह मुझे कोई भी परिंदा इनका ढीला हुआ नज़र नहीं आया। मुझे कोई भी परिंदा इनका माशाल्लाह बीमार या सुस्त नहीं नज़र आया। सब के सब हेल्दी एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर केयर की जा रही है। बहुत सारे दोस्त रा को लेके सवाल पूछते हैं। दोस्तों परिंदा आप जहाँ भी रखें
आपने उसको अगर उस एटमॉस्फेयर का आदि कर लिया तो वो वहाँ पे ब्रीड कर जाएगा। अगर उसके एटमॉस्फेयर उसके मुताबिक नहीं है, उसको सूट नहीं कर रहा, तो वो ब्रीड नहीं करेगा कभी भी आपके पास। ये टोटली रहा है दोस्तों, बॉक्स अभी इसके अंदर है, बॉक्स उतारे नहीं गए हैं। ये देखें, हमने आपके लिए जनाब रिस्क लिया विंडो ओपन करने वाला। ये देखें, विंडो मैंने ओपन किया, ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ रा। दोस्तों एक और क्वेश्चन भी आता है कि जी रा कब ब्रीड करता है, तो मेरे भाई रा ब्रीड करेगा अगर आपने उसको एनवायरनमेंट सही दिया है, आपने उसको डाइट ठीक दी है, और उसका पेयर होना कंफर्म है, दोनों फीमेल ना हो या दोनों मेल ना हो, और उसकी एज होना कंफर्म चाहिए कि आपको पता हो कि इसकी एज कितनी है, ये ब्रीड के काबिल हो गया है या नहीं हो गया। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो जल्दी ब्रीड कर जाते हैं, एनवायरनमेंट में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लेट ब्रीड करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, सेट होना चाहिए परिंदा आपका एनवायरनमेंट के मुताबिक। ये तो पास आ गया भाई, हेलो, वाह दोस्तों, रा पैरेट, और मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। यहाँ पे तो वो कहा जा सकता है कि मज़े को भी मज़ा आ गया आज, सीन कुछ इस तरह से है दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि ये इतने खुश हैं परिंदे माशाल्लाह, इनको ये फील हो रहा है कि जैसे हम जंगल के अंदर हैं, क्योंकि आसपास इनके माहौल ही इस तरह का है, जंगल वाला माहौल है। पीछे आप नज़र मत दौड़ाएं तो ये देखें, पीछे बाग है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है दोस्तों इनके पीछे, नेचुरल ठंडक है यहाँ पे, कोई यहाँ पे पंखा नहीं लगा हुआ, कोई यहाँ पे कूलर नहीं लगा हुआ, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रा ब्रीड कर रहा है। काफ़ी सारे पेड़ हैं दोस्तों, वन बाय वन हिस्ट्री बताना पॉसिबल नहीं है माजरत के साथ। तो ये देखें, ये सारे का सारा रा ही रा है दोस्तों। ये देखे रा दोस्तों, मलिक साहब से मैंने पूछा था कि इनकी एवरेज क्या है, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो औसत है वो 4 अंडे 5 अंडे, और कुछ पेयर्स की 5-6 अंडे 7 अंडों तक भी एवरेज है। इट मींस के केयर की जाती है तो परिंदा ब्रीड करता है, परिंदे को उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक दोस्तों सामान मुहैया करना पड़ता है। इतना बड़ा सेटअप इस एरिया में रा का नहीं है दोस्तों, ये सारे का सारा रा ही रा है दोस्तों। ये देखिए, ये एक और खूबसूरत पेड़ है रा का, जितनी तारीफ कम करें कम है दोस्तों, बॉक्स किसी का भी नहीं उतरा हुआ, सबके बॉक्स लगे हुए हैं, और इस जगह पे टेम्परेचर बड़ा मेंटेन है और कुदरती मेंटेन है, दोनों साइडों पे दरख्त हैं, वेंटिलेशन है प्रॉपर, और परिंदा खुश है माशाल्लाह। ये नीचे भी सारा रा लगा हुआ है दोस्तों, ये इधर जी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारे का सारा रा लगा हुआ है, और ऊपर भी इस तरफ से लेके इस तरफ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा रा लगा हुआ है। यहाँ पे फीजेंट्स हैं, लव बर्ड हैं, कॉकटेल है, रिंगनेक है, पीकॉक्स है, पता नहीं क्या क्या बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये है दोस्तों वीडियो रा लवर के लिए, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपने बताना है कि सेटअप आपको कैसा लगा, शौक आपको कैसा लगा, तब तक के लिए इजाज़त।